चार नहर है एक गांव में, कैंटरों पानी पिया 800 रुपया 500 रुपया 700 रुपया ले। वो तो रमेश बादू तो मैं अदलू बदलू था, पहले भी तो चौटाला सरकार में थे। वो ये इसका निजी वोट है 20,000 के करीब सिंह के। हाँ। निजी वोट? हाँ निजी वोट है, वो कहीं डलवा सकता है। अच्छा। बीजेपी बीजेपी करे सत्यानाश। अच्छा। बरसिंह आया बाद में वोट बहुत जुट गया। अच्छा। बीजेपी ने वोट तो बहुत वोट चीजें है, वोट की कोर ही नहीं देनी चाहिए। मैं तो कह रही से भरत सागर कह रही से ये और के भरत ना कहीं कह रही नहीं। अच्छा, जी भरत सिंह के आने से बिल्लू भीत खुदा जाएगा मान लीजिए बात। ठीक है, फिर बीजेपी की बीजेपी ने कुटने कांग्रेस ही है। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं जमाल गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे पवन बेनीवाल जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ देखिएगा कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पवन बेनीवाल को सुनने के लिए, कुमारी शैलजा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें देखिएगा लगातार और इसके बाद तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से समर्थन जो है वो पवन बेनीवाल को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे खास रीज़न क्या है मेरा यहाँ पहुँचने का, क्योंकि यहाँ पे हमने अभय चौटाला का कार्यक्रम भी देखा, गोपाल कांडा का कार्यक्रम भी देखा और अब पवन बेनीवाल का कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। और इस पवन बेनीवाल के कार्यक्रम में, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल पिछले काफ़ी लंबे समय से जो नाराज चल रहे थे, निराश लगातार दिखाई दे रहे थे, जैसे ही वो कांग्रेस में आए हैं तो यहाँ के मतदाताओं का जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भरत सिंह बेनीवाल को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं वो इनसे जानते हैं। भरत सिंह बेनीवाल जब कभी कांग्रेस में आ गया, अब पहले नाराज चला तो थाने के लिए कितो फायदा बहुत छा गए पार्टी ने बड़ो फायदा होगा, विजय श्री करावेगा, सारा वर्कर भरत सिंह के साथ है, सारी कांग्रेस एक है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, सारी कांग्रेस एक होगी तो मतलब कि मजबूती। हाँ मजबूती में अच्छे वोटों से विजयी होगी। राम राम जी। तो जी ते बताओ मैंने के लगे थाने भरत सिंह बेनीवाल का कांग्रेस मानो कितो फायदो मिले? बहुत ज्यादा फायदो मिला जी। के तरियांग हो किया मिला वो? ये इसका निजी वोट है 20,000 के करीब भरत सिंह के। हाँ। निजी वोट? हाँ निजी वोट है, वो कहीं डलवा सकता है। अच्छा। अगर इसके साथ में तन मन से आइएगा तो पवन कुमार का 58 जा रहा है, 20,000 और पड़ जाते तेरे पर। पवन कुमार ना रहा कौन? लेकिन 58,000 जगह आया अबे तो भाजपा में रह गया है। भाजपा का वोट एक ही है वो, जो भरत सिंह को निजी वोट है वो भाजपा ने पवन को वोट हो। अच्छा, मतलब भाजपा अठा खड़ेगी, भाजपा तो अठा खड़ेगी, कोई नहीं। नहीं मोदी तो मोदी के नाम पर वोट है, मोदी के नाम पर तो वोट आया तो बस ऊपर का है, एमएलए मोदी के नाम पर वोट कौन हुआ? वो तो मोदी को एमपी खड़े हड़े थे तो मैं बैठा वो। हाँ जो एमएलए को इलेक्शन हुआ है जब तो लोगों ने सीधो काम सही है। अच्छा। जब भरत सिंह ना बार पार्टी के साथ तो? तो फिर थोड़ी मुश्किल हो, मुश्किल हो, मुश्किल हो, मुश्किल हो। अच्छा। तो जी थाना के लगे भरत सिंह बेनीवाल जो है वे दिलू सागे है पार्टी का? बिल्कुल सही है, सोगा सो है, सोगा सो ये है। हाँ जी। हाँ भरत सिंह बेनीवाल अगर जो नावार पार्टी से आ गया फिर के हुआ? कुछ न कुछ कम आवार वोट है, ये भरत सिंह वाला बाद में वोट बहुत जुट गया। अच्छा, वोट जुट गया। हाँ अभी बात दुनिया खड़ी है जब भरत सिंह के नाम की खड़ी है। अच्छा, तो कांग्रेस की फिर है जीत है? नहीं कांग्रेस की दुनिया किन्ने गई फिर? आप भरत सिंह की खड़ी है तो कांग्रेस की दुनिया? नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस ही जीत है, कांग्रेस वही हो। मतलब कि कांग्रेस का वोट कम और भरत सिंह का ज्यादा है? कांग्रेस का मामले वही जीते रहो महंगा वोट है सक है आपका है महंगा, कांग्रेस का ये है मिले जुले सारा। चलिए अब एक यहाँ पे मैं तस्वीर आपको ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मुस्लिम समाज से जो है एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा थोड़ा नजदीक आ करके आए एक बार। हाँ यू यू बताओ जी थाना के लगे अभी भरत सिंह बेनीवाल को कितो प्रभाव है?
बहुत अच्छा ही आया। अच्छा मैं तो कांग्रेस से भरत सागे कांग्रेस ये और के भरत नाके कांग्रेस के नहीं भरसिंह के नहीं नाके जावर फिर बताओ हैं भरसिंह ना जा तो वोट नाके भेगे यार। अच्छा नाके भेगे हां भेगे यार मतलब क्या भरसिंह सागे तो कांग्रेस में आओगे। हां सिंह बेनीवार जे कह बंग आनो पार्टी ने कितने मजबूती मिलेगी आ गया जो तो तकड़ी मिलेगी और नहीं है तो को मिले नहीं नहीं भरसिंह बेनीवार तो आन लाग रहे ऐसा कह आन लाग रहे तकड़ी मिलेगी कांग्रेस जीतेगी। अच्छा जीतेगी कांग्रेस जीतेगी अगर जे ना आवे सके तो फिर मैं कौन कस को नहीं। अच्छा कांग्रेस जोर ज्यादा हो गई दो दिन नहीं जोर तो ज्यादा देखो वो तो जनता ने तय करना जोर ठीक है था ना लगा भी ज्यादा हो रही है लेकिन मैं पूछू भरसिंह बेनीवाल को कितना प्रभाव है। सोई फर्क है पहले वोट बहुत लेके ले रहे हैं वोट ज्यादा लेके भी ज्यादा है भरसिंह का वोट बहुत है पवन होना अच्छा हाँ पवन जीता वो पवन भाई दोनों भाई ये काको भतीजे मिल गया एंड भी हो गई। अच्छा काको भतीजे मिल गया और फिर बीजेपी की बीजेपी ने कुटना नहीं कांग्रेस ही है और तो है ही कोई नहीं कोई पार्टी आ बीजेपी का लठ मारेगी तो कांग्रेस मारेगी। अच्छा और कौन है आ तो बैठ तो साली पटकाऊ राज रेडियो बीजेपी को तो है और साली पटकाऊ राज कह दे साले को कांग्रेस ने राज करे वो 70 साल और वो 70 साल में सारी चीज हुई देश में और बीजेपी ने करे के मंदिर बनाया मस्जिद बनाई और या वहां पर के बोलो से हाथ में नाल बांधा और पस पस के धोक मारी और करे के बीजेपी ने और की कौन करे बीजेपी ने उसका विकास घणो ही कर रहा है के बीजेपी बीजेपी करे सत्यानाश। अच्छा और हाँ जमींदार है नहीं जमींदार जुड़ रहा जितना भी लोग जमींदार जुड़ रहा अंग छतरी बना के खाते के बीजेपी याद रखियो बात है 3 साल पड़े बाकी 3 साल में छतरी बना के खा जाएगी के करे बीजेपी बीजेपी मंदिर बनाए हैं मस्जिद बनाई है या पर कल सटाए हैं और के करे बीजेपी न्यू बता और के पूछे तू मेरे कनिया चार नहर हैं एक गांव में कैंटर पानी पिया 800 रुपया 500 रुपया 700 रुपया ले नहीं नहीं बता मेरे काम में मेरे काम जमाल है कोई आदमी 3 टक्कर है काम में 3 टक्कर बड़ा तीनों में पानी को नहीं नहर नहर है पानी को नहीं मैं पानी पिया टेकर हूँ के और के करेगी ठीक ठीक है के बात है हैं और आगे नहीं जान दो हाँ तुम भले ही जाते हैं मन करो के बीजेपी बीजेपी सटीम लगे खागी और खागी सुने 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 ए बात मेरी बात सुने जो हाँ जो आदमी है इंसान वे इंसान ने बीजेपी मांगे वोट बीजेपी ने वोट तो बहुत मोटी चीज है वोट की कोर ही नहीं देनी चाहिए जो इंसान है तो हरसिंह बेनीवाल के आने से पार्टी को कितना फायदा है। सर स्वाभाविक है एक बार टिकट कटती है कोई बंदा नाराज होता है वो तो अलग बात है लेकिन भरसिंह जी हमेशा से कांग्रेस के साथ थे अब भी हैं आगे भी रहेंगे उनके आने से पार्टी को थोड़ी मजबूती मिली है स्वाभाविक है ये तो पक्का है और जीत सुनिश्चित है। अगर चर्चा चल रही थी कि भरसिंह बेनीवाल जो है वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं तो क्या लगता था कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है। सर ये सारी अफवाह का जोर है भरसिंह जी बेनीवाल एक समझदार आदमी है समझदार इंसान है कांग्रेस पार्टी की सेवा की कांग्रेस पार्टी में रहते अभी रहे हैं और रहते भी ये सारी अफवाह का जोर है मैं नहीं मानता इस बात को भी कहीं और वोट डालते ठीक है। तो अगर बात करें तो रमेश भादू को जब टिकट मिला था तब कांग्रेस के वोट जो है वो 10,000 आए थे उस समय नहीं सर भरसिंह जी ने उस टाइम भी अपना कोशिश किया था लेकिन भादू साहब जो थे नए थे वर्कर को नहीं पहचाने वर्कर उनको नहीं पहचाने कांग्रेस को जो वोट आने थे वो आ गए लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में कोई दिक्कत आई थी पहचानने में नए कैंडिडेट के बारे में ऐसी बात नहीं है भरसिंह जी ने कई वोट अदर डलवाए हों नहीं मेरे को नहीं लगता। अच्छा चलिए इस बार जी आपको क्या लगता है कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी जी खूब दोनों चाचा भतीजा एक साथ आ गए हैं तो उनके आने से कांग्रेस तो और ज़्यादा मजबूत हुई है। इस एलनाबाद हल्के में एक आपको बता रहा हूँ पहली बार कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है ये बहुत बड़ा मार्जिन भरत सिंह जी का पवन बनियाल जी का बहन शैलजा जी का और कांग्रेस पार्टी के एकजुट होकर लड़ रही है जी। अच्छा।
तो कांग्रेस से रमेश बादू छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, कितना नुकसान कांग्रेस को मानते हैं? नहीं नहीं जी, वो तो रमेश बादू तो मैं अदल बदलू था, पहले भी तो चौटाला सरकार में थे, उसके बाद कांग्रेस से अशोक चौहान जी ने उसको टिकट दे दिया, किस कारण दिया उसको पता नहीं, तो उन्होंने टिकट दिया, उसके बाद वो किसी कांग्रेस को साथ लेकर चला ही नहीं था, अकेला ही चला था। हम भी वहाँ कांग्रेस ही है, घूमते हैं फिरते हैं सब कुछ करते हैं, तो रमेश बादू को ज़्यादा वो प्रदर्शन नहीं है। साथी है भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है भरत सिंह के आने से कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? जी, भरत सिंह के आने से बिल्लू भीत कुदा जाएगा मान लीजिए, ठीक है, बिल्लू को मतलब यहाँ से कितने वर्षों से आप देख रहे हो, आप भी इसी हल्के से बिलोंग करते हो, कितने टाइम से यहाँ पर मतलब सत्ता के, चाहे उनकी सत्ता नहीं बनी है फिर भी वो यहाँ से विधायक जीतते रहे हैं, जीतते रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विकास नाम की इतनी भी चीज नहीं की। आप अक्सर इनके पास भी जाते हो, नल्लो वालों के पास भी, उनसे एक सवाल जरूर करना कि यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो पूछना आप, विकास क्या हुआ है? आपको पता है कि राजस्थान बॉर्डर है, ना ही तो नहरों में पानी आता है, नहरों में बिल्कुल भी पानी नहीं आता, और इस नाली से एक उम्मीद रहती है कि नाली निकलेगी, चौड़ी होएगी, ठीक है। पवन जी यहाँ पर उनको लेकर भी आए थे, जो चीफ इंजीनियर थे उनको भी लेकर, वही फिर नहीं हुई, कहाँ हुई, ठीक है। सत्ता में रहते हुए पवन बेनीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी नहीं हुई, तो विपक्ष के विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष का विधायक से ऐसी उम्मीद करते हैं जी, विधायक तो वो था ना, यहाँ पर जिम्मेदारी तो बनती है उसकी, कम से कम हमारी आवाज उठाए, लेकिन उस बंदे ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। हालांकि पवन बेनीवाल जो यहाँ से हारे हुए थे और उन्होंने जब जिक्र किया तो गांव में आकर भ्रमित करते हैं लोगों को कि वो एक मोगा नहीं लगवा सकता, ठीक है, क्योंकि विधायक वो है, जब विधायक डिमांड नहीं करता तो वहाँ के लोगों को आगे क्या पता है कि यहाँ का विधायक ही नहीं मांग रहा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि विधायक होते हुए अभय सिंह चौटाला ने आपकी मांगों को उठाया ही नहीं? बिल्कुल नहीं उठाया जी, उन्होंने ना होना बात की बात है। हाँ, होना ना होना बात की बात है। चलिए कुछ और साथी हैं भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, भरत सिंह बेनीवाल के आने से कांग्रेस में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, भारी बहुमत जीत होगी, भारी बहुमत। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने जाना, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के जो वोटर हैं वो यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आ करके इनसे ये नहीं पूछा कि आगे कौन सी पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों को का जवाब यही होता कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ पे मैं ये कहने के लिए नहीं आया था, ये कहलवाने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो इनसे ये पूछने के लिए आया था कि कांग्रेस पार्टी से खफा चल रहे थे भरत सिंह बेनीवाल, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ हाईकमान के साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या कांग्रेस पार्टी भरत सिंह बेनीवाल के आने से मजबूत हुई है, ये बात जानने के लिए आज मैं वोटर्स के पास आया था। तो इनमें से लगभग लोगों ने यही कहा है कि भरत सिंह बेनीवाल के आ जाने से कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती मिली है, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो है वो और ज़्यादा तेज हुआ है, प्रचार और ज़्यादा तेज हुआ है, लोग भरत सिंह बेनीवाल को सुनना देखना और उनको पसंद करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ लग करके भरत सिंह बेनीवाल जो है वो चाचा भतीजा की जोड़ी लगातार प्रचार कर रही है, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो इन चुनावों में जीत दर्ज करवाएगी। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वोटरों के हौसले जो हैं और नेताओं के भी हौसले काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।